भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा चमत्कारी पावरफुल टोटका जिसके जरिए आप किसी भी स्त्री को या पुरुष को हमेशा के लिए अगर चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाएं, तो आप इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप पल भर में ही किसी को अपने वश में कर सकते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ये बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण उपाय है, इसलिए आप लोगों से एक विनती है कि इसका बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल ना करें। लाखों लोगों ने इसे आजमाया है, इसके ज़रिए वशीकरण किया है, उनका भी काम बन गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सबसे पहली जो चीज़ ली है वो है ये मिट्टी, जो कि आपको उस व्यक्ति के घर से लेनी है जिस व्यक्ति के को आप अपने वश में करना चाहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसके घर के पास की मिट्टी आपको लेनी है, जहाँ से वो हमेशा, जिस रास्ते से वो जाती हो या वो इंसान उस रास्ते से चल के जाता हो, वहाँ से आप मिट्टी उठा लीजिए। थोड़ी सी मिट्टी आपको चाहिए। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमने ली है वो है ये सिंदूर। सिंदूर जो कि आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं अभी भी, नहीं तो अगर आपको घर में ना मिले तो आप बाहर से इसे ले सकते हैं, इसका पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंदूर हो गया। और तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है ये लौंग। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, याद रखें कि ये जो कंप्लीट होती है, जिसको हम संपूर्ण लौंग बोलते हैं, ये लौंग आपको चाहिए होगी इसके लिए, तो दो लौंग काफ़ी है। अब ये तीन चीज़ें लेने के बाद आपको इस विधि को शुरू करना है। लेकिन आपको बता दूं, इस विधि को बताने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बेल बटन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो अब आप एक सादा कागज़ ले लीजिए, इस तरह का आपको मिल जाएगा। आप किसी कॉपी का कागज़ भी ले सकते हैं, फाड़ के निकाल सकते हैं, और ये जो प्रिंटिंग वाला जो पेपर होता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सादा कागज़ ले लीजिए। अब आपको इस पे बनाना है एक त्रिभुज, बनाना है आपको, किसी भी पेन की सहायता से आप इसे बना लीजिए इस तरह से। ये एक त्रिभुज आपका बन गया। अब इसमें आपको एक और त्रिभुज बनाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको त्रिभुज का इसमें बनाना है। त्रिभुज को इस तरह से एक और त्रिभुज इसके ऊपर आप बना दीजिए। आप देख सकते हैं जैसे एक स्टार बनाया जाता है, उस तरह से मैंने ये यहाँ पे इस पेपर पे बना लिया है। अब इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे ओम, एक ओम लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लिखना है सह, और यहाँ पर भी लिखना है सह। इसके बाद ये इस तरह से जब आप लिख चुके होंगे, अब आपको जो मिट्टी आपने यहाँ पर ली थी, जो कि हमने शुरू में इकट्ठी की थी मिट्टी, वो मिट्टी आपको इसमें बीच में ऐसे यहाँ पे रख देनी है। मिट्टी रखने के बाद आपको करना क्या है कि सिंदूर, जो मैंने शुरू में आपको कहा था, सिंदूर को भी आप चुटकी की सहायता से इस मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए। इस तरह से आपको तीन चुटकी सिंदूर इसके ऊपर डाल देना है। और इसके बाद ये जो लौंग है, लौंग में भी सिंदूर को अच्छे से लगाकर और लौंग इसमें रख दीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसमें ये तीन चीजें रख दी हैं। अब ये आपका जो उपाय करने जा रहे हैं वो तैयार हो गया है। लेकिन आपको एक और चीज इसके बाद करनी है। ये जो कागज हमने लिया, ये बड़ा कागज हमने इसलिए लिया है कि नीचे का जो इसमें पार्ट है उसमें हमें एक मंत्र लिखना है। अब अगर जिसका भी, जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो उसके बाद ये जो कागज है यहाँ पर आपको ये मंत्र लिखना है, ओम चंड चामुंडाय सर्वलोकाय
जो भी लड़की का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना है ओम, फिर रेखा। मान लीजिए लड़की का नाम अगर रेखा है तो आपको लिखना है ओम रेखा वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र इस तरह से आपको लिख देना है। अब नीचे आपको क्या करना है कि पहले आपको लड़की का नाम लिखना है रेखा, और अगर आपका नाम है जैसे कि मैंने अगर रमेश लिखा लड़के का नाम, तो इस तरह से आपको लिख देना है, और सबसे नीचे आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। अब आपका ये कागज तैयार है। आपने जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आपने मिट्टी और ये सब रख दिया है, उसके बाद आपने मंत्र लिख दिया है और लड़के और लड़की का नाम यहाँ पे लिखा है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है। तो ये आपका एक कागज तैयार है। इस पर अब आपको टोटका करना है। टोटका आपको ये करना है कि ये जो मंत्र मैंने आपको लिखवाया है, इस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है। जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतनी बार आपको मिट्टी को हाथ से छूना है। मंत्र पढ़ते जाइए, मिट्टी को छूते जाइए, 108 बार मंत्र पढ़ेंगे जब आप, उसके बाद आपका ये उपाय पूरा हो जाएगा। अब आप इसको फोल्ड कर लीजिए, यानी कि इस तरह से फोल्ड करना है आपको कि ये कागज में से ये सामान बाहर ना निकले, और पूरी तरह से इसे अच्छी तरह से पैक कर दीजिए। याद रखिए कि इसके अंदर मिट्टी है तो ये फटना भी नहीं चाहिए पेपर। अगर ये पेपर फट जाएगा तो आपका जो अंदर का सामान है वो सब बाहर गिर जाएगा, इसलिए इसे इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर दीजिए। आपको ये प्रक्रिया रविवार या मंगलवार के दिन ही करनी है। ध्यान रहे इस प्रक्रिया को करते समय आपको कोई देखे नहीं, और जब आप इसे पूरा खत्म कर लें उसके बाद आपके घर के पास में या आपको कहीं अगर दूर जाना पड़े तो आप जाइए और इसे बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। आप उस लड़की का या उस व्यक्ति का नाम बोलते रहिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं, और उस व्यक्ति का चेहरा आपकी आंखों में होना चाहिए। अगर आप उसे अपने मन में बसाकर इस मंत्र को करते हैं, इस विधि को करते हैं, तो ये वशीकरण आपका पूरा हो जाएगा। वो लड़की या पुरुष या औरत या आपकी बॉस या जिसके लिए भी आप ये वशीकरण करना चाहते हैं वो आपके वश में होगा। तो ये तो थी आज की विधि भक्तों। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे कीजिए क्योंकि ये एक आजमाया हुआ शक्तिशाली वशीकरण उपाय है जिसे बहुत से लोगों ने किया और सबको इसका असर देखने को मिला। तो आप भी इसे कीजिए और हमें जरूर बताइए कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। हम आपकी समस्या दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।